हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सौम्या, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पिछले वाले वीडियोस अच्छे लगे होंगे एंड अब लाइक एंड शेयर भी क्यों होंगे। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे वीडियोस सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और ये मेरे को बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए, नए नए अच्छे अच्छे रेसिपीज लाने के लिए। ठीक है, आज है वीकेंड, ऐसा मन करता है कि वीकेंड में कुछ तो मीठा बनाया जाए। वीकेंड है तो मीठा बनता है, तो मैं बनाने वाली हूँ। नहीं, मैं नहीं बनाने वाली हूँ, आज मेरे हस्बैंड बनाने वाले। कब? हाय एवरीवन, आई एम नितिन, मैं सौम्या का हस्बैंड। आज मैं सौम्या को हेल्प करने वाला हूँ उसकी सबसे फेवरेट डिश बनाने के लिए, स्वीट डिश बनाने के लिए। ये बेसिकली एक ऑस्ट्रियन स्वीट है, इसका नाम है स्काइजस काम। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसका, उस पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हम अपने घर के सामान से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये रेसिपी आज। चलिए शुरू करें फिर। चलिए, इस रेसिपी के लिए हमने लिया है आज एक ऑल पर्पज़ फ्लोर, मिल्क, बटर, पाउडर शुगर, वनीला एसेंस और थोड़ा सा रेजेंस लिए, उसको भिगो के रख दिए हैं। हम यहाँ पे एक को तोड़ के एग वाइट और एग योक को अलग कर देंगे। हम लोग अभी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें। सॉरी, मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट में नमक मेंशन नहीं किया। ठीक है, मैंने ले लिया थोड़ा सा पिंच ऑफ, जस्ट एक पिंच सॉल्ट डाल रहे हैं। इसे एग व्हाइट को बीट करेंगे। अभी क्या करने वाले हम लोग? हम इस पे थोड़ा सा शुगर डाल के बीट करने वाले हैं। एग व्हाइट को थोड़ा फ्लॉफी होने तक हम बीट करेंगे और उसको छोड़ देंगे। गाइस देखिए कैसे बन रहा है काइजस्वाम, कि बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग तो देख रहे हैं। अभी तो हम लोग एग व्हाइट को अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। अभी जो हमने एग योक को अलग करके रखे थे, अभी उसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। एग योक अभी सही से बीट हो गया है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा शुगर। ध्यान रखिए इतना शुगर डालें जो आपको टेस्ट में अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है अपने हिसाब से। किसी किसी को ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप डालिए। हम इसमें अभी डालेंगे वेनिला एसेंस लगभग हाफ टी स्पून। अब डालेंगे मैदा अराउंड 3 टेबल स्पून और अराउंड हाफ कप मिल्क। उसके बाद हम सही उसको बीट करते रहेंगे ताकि अच्छे से अपना बैटर रेडी हो जाए। अभी देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी लगभग सही हो गया है। अभी हम जो एग वाइट अलग से बीट करके रखे थे उसको हम एक स्पैटुला से मिला लेंगे, सही से मिला लेंगे। अभी इसके लिए हमें और बीटर की ज़रूरत नहीं है, स्पैटुले से बहुत सही से मिला सकते हैं। और ये थोड़ा इस तरह से थोड़ा ज़्यादा फ्लफी होता है, नहीं तो आप एक वाइट और एक यक को अलग ना करके भी एक ही साथ कर सकते हैं। अभी हमारा बैटर रेडी है। अभी हम एक पैन को हीट करके उसमें बटर डाल देते हैं, बटर को सही से ग्रीस कर लेते हैं पैन पे। अभी हम बैटर को इस पे पोर करते हैं। ये एक ऑस्ट्रियन पैनकेक है, ये लगभग ऑस्ट्रिया और जर्मनी में ब्रेवरिया रीजन में बहुत ज़्यादा बनता है, ये लगभग हर एक घर पे बनता है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर पैनकेक है वहाँ पे।
अभी हम इसमें रेजिन्स डालेंगे जो हमने पानी में भिगो के रखा था। जो रेजिन्स होते हैं ये इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर देता है और जो काजू बादाम है उसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। अगर आपके पास है तो उसको ज़रूर डालिएगा। अभी ऑलमोस्ट नीचे से हो गया है तो हम इसको फ्लिप करेंगे, तो इसके लिए हम उसको बीच में से कट करके साइड से फ्लिप करेंगे। डोंट वरी, इसमें आप कहीं पे कुछ लग गया तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम बाद में जो एक्चुअल इसको बनाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटते हैं, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। हम धीरे धीरे इसको ऐसे फ्लिप करके फिर कट करेंगे। अब हम छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको काट देंगे, आराम से, ऐसा कोई इवेंटली कट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आप चाहें थोड़ा छोटा टुकड़ा करके उसको हम काट लेंगे। इस पे हम थोड़ा सा पाउडर शुगर स्प्रिंकल करेंगे। अभी ये आपको पाउडर शुगर कैरामलाइज करके उसको बहुत सही से फ्लेवर देगा। चलिए, ये अब आपका बन के रेडी हो गया है। इसके साथ हम एप्पल प्यूरी यूज करेंगे, ये आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, साथ में इस दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सही लगेगा। एवरीवन, देखिए हम लोग का काइजिस्वान बन के तैयार है। इसमें मैंने ऊपर थोड़ा सा शुगर, पाउडर शुगर स्प्रिंकल किया है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छे से कैरामलाइज हो गया है, बहुत ही टेस्टी है। आप घर पे बनाइए। उसके साथ हम लोग एक एप्पल प्यूरी भी बनाए हैं। बोलिए थोड़ा कुछ उसके बारे में। नॉर्मली ऑस्ट्रिया या जर्मनी में ब्रेवरी एरिया में ये डिश खाया जाता है, और इसको बेसिकली वो लोग आइदर एप्पल प्यूरी या फिर स्ट्रॉबेरी का प्यूरी या फिर रास्पबेरी का प्यूरी बना के उसके साथ खाते हैं। तो हमारे पास इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली बेरीज यूज करते हैं, बट इंडिया में हमारे पास एप्पल अवेलेबल है इस सीजन में, तो हमने एप्पल यूज करके इसको बनाया। बहुत सारे लोग इसको एप्पल में भी यूज करते हैं जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, और ये इसके साथ बहुत सही से जाता है। आप जरूर घर पे ट्राई कीजिए, और प्लीज प्लीज सोम्या की चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ट्राई करते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, इसको थोड़ा सा डिप कीजिए। बहुत ही अच्छा है। अब घर पे ट्राई करिए, खाइए। अब लो। बहुत ही टेस्टी बना है, सच बोल रही हूँ। घर पे बनाइए, खाइए, और मेरे को कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है? और जिन लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड बाय बाय, सी यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।